नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप सारे बच्चे फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, लिटरेचर का है। सिलेस मार्नर एंड डैनियल डिरोंडा आर रिटन बाय, ये दोनों नॉबेल हैं। अगर बात करेंगे सिलेस मार्नर, ये भी आपके नॉबेल हैं, और डैनियल डिरोंडा ये भी आपके नॉबेल हैं। और इस दोनों के जो राइटर हैं, दोनों के राइटर आपके हैं कौन, मैंने कल नाम बताया था, मैरी एन या मैरी एन्ने इवांस। और ये किनका नाम है, ये आपको मालूम है, जॉर्ज इलियट साहब का नाम है। जॉर्ज इलियट साहब का नाम है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये दोनों नॉवेल है, सिलेस मार्नर, डैनियल डिरोंडा। सिलेस मार्नर जो नॉवेल है, इसकी जो पब्लिशिंग ईयर है वह है 1861, और डैनियल डिरोंडा जो नॉवेल है इसका पब्लिशिंग ईयर है 1876। और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपने इनका दो नॉवेल और पढ़ा, एक पढ़ा एडम बेडे, जो इनका पहला नॉवेल है, फर्स्ट नॉवेल है, जिसको पब्लिश कब किया गया, 1859 में। और एक नॉवेल आप कल या परसों जब भी पढ़े होंगे, जरूर पढ़ा होगा आपने, द मिल ऑन द फ्लोर्स, द मिल ऑन द फ्लोर्स। ये कब पब्लिश हुआ, तो ये पब्लिश हुआ आपको 1860 में। अब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका 1859 में एडम बेडे है, 1860 में द मिल ऑन द फ्लोस है, और 1861 में सिलेस मार्नर है। अब एडम बेडे के बाद कौन आया, आपका मिल ऑन द फ्लोस, उसके बाद सिलेस मार्नर। किन्होंने लिखा, जॉर्ज इलियट साहब ने लिखा। तो सीक्वेंस को भी याद रखना कई बार जरूरी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा, सिलेस मार्नर एंड डैनियल डिरोंडा वर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, नहीं थॉमस हार्डी, नहीं जॉर्ज इलियट आपका आंसर होगा। और जॉर्ज इलियट साहब का ही नाम है मैरी एन या मैरी एन ए इवांस। चार्ल्स डिकेंस बहुत बड़े नॉबलिस्ट हुए, ये उपन्यासकार हुए, क्लियर है मामला। चार्ल्स डिकेंस का कंप्लीट नेम क्या है, चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, ये इनका फुल नेम है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता इस तरीके से, बट आपको मालूम होना चाहिए, चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, ये इनका कंप्लीट नेम। थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी के बारे में भी हम कल पढ़े थे कि थॉमस हार्डी क्या है, एक रियलिस्ट है, और विलियम वर्ड्सवर्थ या रोमेंटिसिज्म को ये फॉलो करते थे, यानी रोमेंटिसिज्म, विलियम वर्ड्सवर्थ से काफी इंस्पायर थे। WWW लिख देता हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कल आपने पढ़ा था, और ये एक रियलिस्ट थे, क्लियर, थॉमस हार्डी साहब। आंसर आपका हुआ CC4, कनाडा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपको क्या दिया हुआ है आपके पास है, हु इज द पायोनियर। पायोनियर का मतलब क्या होता है भैया, जो किसी भी फील्ड में जीरो से लेकर टॉप लेवल तक जाने किसी भी चीज को। हु इज द पायोनियर इन द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नैरेटिव टेक्निक। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एक क्या है, एक नैरेटिव डिवाइस है, एक नैरेटिव डिवाइस है या एक नैरेटिव मेथड है, जहां पर कोई भी राइटर अपने थॉट्स, अपने इमोशन को अपने तरीके से लिखता है। यहां पर थॉट, अपने इमोशन को कैसे बताना है। और नैरेटिव डिवाइस का एक और नाम है, इसे बोलते हैं इंटरनल मोनोलॉग। अब मोनोलॉग क्या होता है, इंटरनल मतलब इनसाइड, जो हमारे अंदर है, और मोनो का मीनिंग होता है वन यानी कि सिंगल, और लॉग का मीनिंग होता है स्पीक यानी कि बोलना, लॉग बोलना है, यही से वर्ड आता है डायलॉग, डाई मतलब टू, लॉग मीन्स बोलना, जब दो लोग आपस में बातचीत करेंगे वो डायलॉग कहलाएगा। तो
नैरेटिव डिवाइस, नैरेटिव मेथड में कोई भी राइटर अपने ऑथर अपने इमोशन को कैसे डिपिक्ट कर रहा है, कैसे लिख रहा है उस चीज को, इसीलिए इसको इंटरनल मोनोलॉग भी बोला जाता है नैरेटिव डिवाइस को, डी ई होना चाहिए डिवाइस। और ढेर सारे राइटर हुए नैरेटिव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो ढेर सारे राइटर, बट इसको जो अच्छे तरीके से यूज किया गया या ऊपर ले जाया गया वो ले जाया गया वर्जीनिया उल्फ के द्वारा, अर्नोल्ड बैनेट या डैनियल डिफो के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं की गई। अर्नोल्ड बैनेट ये भी आपके नॉबलिस्ट हुए। चलिए डैनियल डिफो का मैंने कल एक नॉबल का नाम बताया था, डैनियल डिफो क्या नाम बताए थे आपको, रॉबिनसो क्रूसो सी आर यू एस ओ ई, ये एक नॉबल है इनका डैनियल डिफो साहब का। पब्लिशिंग ईयर आप बताइए, मैंने कल आपको बताया था इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है रॉबिनसो क्रूसो का पब्लिशिंग ईयर, ये आपको बताना है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए और डैनियल डिफो रॉबिनसो क्रूसो ये नॉबल है, ये राइटर है, जरूर आप याद रखेंगे। इसका पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं क्या आप बताओ, कमेंट करके आप बताओगे क्या होना चाहिए, उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आशु प्रज्ञा भी कह रही है इसका पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है। आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉज जेन ऑस्टिन्स मदर, जेन ऑस्टिन, कल आपने जेन ऑस्टिन के फादर का नाम जाना था जॉर्ज ऑस्टिन क्लियर। जेन ऑस्टिन आपको मालूम है ये ब्रिटिश राइटर हैं, जेन ऑस्टिन, और इनका कौन कौन सा वर्क बहुत ही फेमस है, टीआरई 3.0 में पूछा भी गया था इनसे एक क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। एक और है सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सब इनके नॉवेल्स हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां क्वेश्चन है कि जेन ऑस्टिन की माताजी का नाम क्या है, कैसेंड्रा मारिया सोफिया, कैसेंड्रा, और कैसेंड्रा फुल नेम क्या है, ले, एल ई आई जी एच, कैसेंड्रा ले कंप्लीट नेम है इनकी मां का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ए फोर बुलबुल, वेरी गुड। 1719 आपने बोला है, यानी ये जो आपका है इसको पब्लिश कब किया गया, 1719 में, ध्यान आपको रखना है। डैनियल डिफो ये राइटर हुए और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये रॉबिनसो क्रूसो। आइए यहां पर तो कैसेंड्रा चलिए आ जाओ यहां पे। तो थॉमस हार्डीज नॉवेल्स एंड पोएट्री आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो आपको मालूम है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को ये पढ़ा करते थे, इनसे ये प्रभावित हुए, इनके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो रीस्टोरेशन नहीं या मीडियवलिज्म रोमेंटिसिज्म, और आपको मालूम है विलियम वर्ड्सवर्थ रोमेंटिक एरा के पोएट हैं और इनसे ये बहुत प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस बाय रोमेंटिसिज्म, राइट ऑप्शन सी सी फोर कैनेडा। नंबर फाइव, रोज हेसलटाइन या रोज हेसलटीन भी पढ़ेंगे, वॉज द वाइफ ऑफ, ये किन की वाइफ है, जॉर्ज मेरेडिथ की, एंथोनी ट्रॉलॉप की और हेनरी फील्डिंग की, ये किन की वाइफ है, तो ये वाइफ है एंथोनी ट्रॉलॉप की, ये भी एक राइटर हुए, जॉर्ज मेरेडिथ की बात करेंगे तो ये भी आपके एक राइटर हुए, और इनका नाम 7 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुआ, जीते एक बार भी नहीं है ना, यानी नॉमिनेटेड नोबेल प्राइज कितनी बार, 7 times, ये जरूर याद रखिएगा, 7 times, मिला एक बार भी नहीं, 7 बार ये नॉमिनेटेड हुए नोबेल प्राइज के लिए, ये ध्यान रखना है। हेनरी फील्डिंग, इन सभी राइटर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक दो बार आप नजर दोहराएंगे गूगल से विकिपीडिया से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, और हेनरी फील्डिंग
जो बिलोंग करते हैं ऑगस्टन पीरियड से, ये जरूर याद रखना है आपको, ऑगस्टन पीरियड से। क्लियर है मामला? और जॉर्ज मेरेडिथ, इनका ये इंपॉर्टेंट है कि 7 बार नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम नॉमिनेटेड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए 6 में क्या बोला गया है, मैगी टुलिवर एंड फिलिप वैकेन आर कैरेक्टर्स डैश इन रिटर्न बाय जॉर्ज एलियट। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए, बारचेस्टर टावर, एडम बेडे, द मिर ऑन द फ्लोर्स, भाई साहब बोला गया रिटर्न बाय जॉर्ज एलियट, यानी जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखा गया वॉक है, नॉवेल है, और उसका ये कैरेक्टर है मैगी टुलिवर एंड फिलिप वैकेन। अगर हर एक वॉक के राइटर का नाम आप जानते हैं तो एक ऑप्शन को तुरंत आप एलिमिनेट कर दोगे, और वो है आपका बारचेस्टर टावर। बारचेस्टर टावर किन्होंने लिखा है भैया? इन्होंने लिखा है एंथोनी ट्रॉलॉप ने, है ना, एंथोनी ट्रॉलॉप ने इन्होंने लिखने का काम किया 1876। सही बोल रहा हूं क्या मैं? आई थिंक यही ईयर होगा, एक बार गूगल से आप चेक कर लेना है आपको। अब आइए एडम बेड और द एडम बेडे एंड द मिल ऑन द फ्लोर्स, 3 दिन से इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एडम बेडे पब्लिश कब हुआ? 1859 में। ये आई थिंक मैं गलत बता रहा हूं, इसको आप रहने देंगे, राइटर का नाम जानिए। एडम बेडे आपका 1859 और द मिल ऑन द फ्लोर्स आपका क्या हो गया 1860। और 1861 में कौन सा आया था? अभी आपने पढ़ा था सैलिस मैरिनर, मार्नर, है ना। और तीनों के राइटर कौन? जॉर्ज इलियट। और जॉर्ज इलियट का एक और नाम क्या, क्या नाम बताए थे आप कमेंट करके बताओगे मेरे को, है ना। आइए यहां पे, अब यहां पे कैरेक्टर बोला गया है कि मैगी टुलिवर और फिलिप वैकेम जो है ये कैरेक्टर है किस नॉवेल का, जॉर्ज इलियट साहब के द मिल ऑन द फ्लोर्स जो पब्लिक हुआ 1860 में। और जॉर्ज इलियट साहब का अदर नेम क्या है? मैरी एन इवेंस। वेरी गुड। और जहां पर आप एन लिख रहे ये भी लिखा जाता है A-N-E, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। 7 मारावार केव्स, मारावार हिल केव इज अ प्लेस नियर। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? आपको लगेगा ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, नहीं, ये आपके लिटरेचर का क्वेश्चन है। मारावार केव्स जो आपका है, कल मैंने बताया था ईएम फोस्टर, ईएम फोस्टर एक राइटर हुए। कंप्लीट फुल नेम की बात करेंगे तो ई से क्या हो जाएगा? एडवर्ड, एडवर्ड हो जाएगा। और एम से क्या होगा? मॉर्गन, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। क्लियर? इनके द्वारा एक नॉवेल लिखा गया, एक नॉवेल लिखा गया, उस नॉवेल का नाम क्या है? अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, ये नॉवेल है। ये पब्लिश कब हुआ? 1924 में। ईएम फोस्टर साहब एक नॉवेल लिखे, अ पैसेज टू इंडिया, 1924 में ये पब्लिश हुआ। और ये किस जगह के बारे में बात करता है? कल क्वेश्चन आया था तो चंद्रपुर, चंद्रपुर। और ये चंद्रपुर एक सिटी है जो इंडिया में किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो कल हमने बताया था महाराष्ट्र। क्या बताए थे आपको? महाराष्ट्र। क्लियर? तो ये जो लाइन है कि मारावार केव्स का जिक्र कहां किया गया है? अ पैसेज टू इंडिया नॉवेल में किया गया, ईएम फोस्टर साहब लिखे, 1924 में पब्लिश हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बिफोर बॉम्बे। क्लियर है मामला? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड हेमिंग्वे मैरी? हेमिंग्वे मतलब अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। अब अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की आप बात कर रहे हैं भैया, ये 1899 में पैदा हुए और इनको 2 प्राइज मिला। आज फिर आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, एक मिला नोबेल प्राइज, तो नोबेल कब मिला, और एक मिला पुलित्जर प्राइज, तो ये पुलित्जर प्राइज कब मिला, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हालांकि क्वेश्चन यहां पर क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड हेमिंग्वे मैरे, कितनी बार वो शादी किए? 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स, यानी 4 बार ये
शादी किए हैं 4 times. अब आपको नोबेल प्राइज पुलित्जर प्राइज कब मिला है ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं. नंबर 9, हु वॉज क्रिस्टिनिया चिनवे ओकोली. क्रिस्टिनिया चिनवे ओकोली ये कौन है, ये क्या कौन है? तो चिनवा एचिवेज कजन, चिनवाज एचिवे वाइफ, चिनवा एचिवेज नेबर. चिनवा एचिवे ये अफ्रीकन राइटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके बारे में मैं क्वेश्चन 2-3 दिनों से लगातार आपको दे रहा हूं. अफ्रीकन राइटर्स हैं, राइटर हैं ये. और ये जो नाम है क्रिस्टिनिया चिनवे ओकोली, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी वाइफ है यानी कि पत्नी है. तो चिनवाज एचिवेज वाइफ राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे. रसिका सिन्हा 1954-1953, बुलबुल 1954, प्रियंका भारती 1953-53. यानी नोबेल प्राइज जो मिला अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे को वो आपको कब मिला 1954 में. पुलित्जर कब मिला 1953 में. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. आज क्वेश्चन नंबर 10 की बात कीजिए. हु वॉज रिचर्ड वॉर्मसली ब्लेयर. क्या नाम है कि रिचर्ड वॉर्मसली ब्लेयर कौन थे. अब यहां पर है जॉर्ज ऑरवेल्स फादर, जॉर्ज ऑरवेल्स ऑरवेल्स ब्रदर, जॉर्ज ऑरवेल कजन. अब जॉर्ज ऑरवेल के बारे में 3-4 दिन से पढ़ रहे. सबसे पहले ये पैदा कब हुए, तो 1903 में. पैदा हुए कहां पे, तो ब्रिटिश इंडिया में. और ब्रिटिश इंडिया में कहां पैदा हुए ये आप बताओगे मेरे को. ब्रिटिश इंडिया में किस जगह पैदा हुए ये आपको बताना है. दूसरी बात, जॉर्ज ऑरवेल साहब का रियल नेम क्या है, रियल नेम क्या है ये भी आपको बताना है कमेंट करके. क्लियर. अब आइए यहां पे, हु वॉज रिचर्ड वॉर्मसली ब्लेयर. रिचर्ड वॉर्मसली ब्लेयर कौन थे, जॉर्ज ऑरवेल साहब के फादर हैं. राइट ऑप्शन ए हो जाएगा. और जॉर्ज ऑरवेल 1903 में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए. ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब 1903 में हमारा भारत गुलाम था ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स का, है ना. तो ब्रिटिश इंडिया में कहां पे और इनका रियल नेम क्या है ये आपको बताना है. चलिए, मोतिहारी बिहार, वेरी गुड. एरिक अर्थर ब्लेयर. और रसिका आपने एरिक जो लिखा है प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, इस बात का ध्यान रखना है. रकनी इरिक, इरिक ई आर आई सी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो आपने बोला मोतिहारी, रियल नेम इरिक अर्थर ब्लेयर, ये सब ध्यान रखिए. इरिक अर्थर ब्लेयर. और इनका नाम जो जॉर्ज ऑरवेल पढ़ा मैंने आपको कल बताया था, ये अपना नाम जॉर्ज ऑरवेल क्यों रखे, किस चीज से इंस्पायर होके, ये आप मेरे को बताइए किस चीज से इंस्पायर होके एरिक अर्थर ब्लेयर ने अपना नाम जॉर्ज वेल हुआ रखा, यह भी आपको बताना है. किस चीज से प्रभावित होके, इंस्पायर होके, यह आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैंने बताया था. आइए नंबर 11, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जोसेफ कॉन्ड्रेट. जॉस रिवर के नाम पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यानी रिवर और वेल, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है. एक नदी है ऑरवेल, है ना, उसी नाम पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. 11, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जोसेफ कॉन्ड्रेट. जोसेफ कॉन्ड्रेट साहब का फुल नेम क्या है. कल जोसेफ कॉन्ड्रेट के बारे में क्या बताए थे कि भैया ये अपने 20s बोलने का मतलब हो गया 21 से 29. अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं अपने 30s में हूं, यानी वो 31 से 39 के बीच में है, यानी 30 और 40 के बीच में है. आपको मालूम है जोसेफ कॉन्ड्रेट साहब अपने 20s तक प्रॉपरली इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, और उसके बाद इन्होंने काफी नॉवेल्स लिखा, काफी प्लेज लिखे, है ना. तो आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि जो इंसान अपने 30 साल की एज तक इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है, फिर जाके वो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट भी बनते हैं, राइटर बनते हैं. इनका कंप्लीट नेम पूछा गया है, जोसेफ जॉर्ज कॉन्ड्रेट, जॉर्ज ट्योडोर कोरजनोवस्की, जॉर्ज ट्योडोर कॉन्ड्रेट कोर जेनी ऑस्की, कोर जेनी ऑस्की. राइट ऑप्शन आपका CC4 कैनेडा हो जाएगा, जरूर आपको याद रखना है. वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया.
हेनरी फील्डिंग डाइड इन 1754। हेनरी फील्डिंग जो है इनकी डेथ कब होती है 1754 में, ये पैदा कब होते हैं 1707 में, क्लियर। और हेनरी फील्डिंग के बारे में क्या बताया गया, किस एज से बिलोंग करते हैं, ऑगस्टन पीरियड से, ऑगस्टन पीरियड से ध्यान रखना है। डेथ कहां पे हुई है, इसका आंसर आपके आंसर की में गलत दिया हुआ है ना, आंसर की में गलत दिया हुआ है आपका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा लिस्बन पोर्टुगल, पुर्तगाल जिसको आप बोलते हैं, वहां इनकी डेथ हुई थी, डबलिन आयरलैंड नहीं, है ना। और आंसर की में आपका आंसर सी है, और आप बहुत सारे बच्चे सी ही कह रहे, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। और आंसर की जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपका आंसर रॉन्ग है, मिला देंगे आप। नंबर 13, व्हेन वॉज फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड ये एक नॉवेल है, ये एक क्या है, नॉवेल है, किन्होंने लिखा है, थॉमस हार्डी साहब ने, थॉमस हार्डी साहब जो एक रियलिस्ट थे, रोमांटिक एरा से ये काफी इंस्पायर हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ से काफी इंस्पायर हुए, क्लियर। नॉवेल है आपका, और इनका कौन सा नॉवेल है ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो ये इनका फोर्थ नॉवेल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी इससे पहले ये थ्री नॉवेल्स लिख चुके हैं। और इसका पब्लिशिंग ईयर पूछा गया है, कई दफा आपको बता चुका हूं, 1874, यानी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कब पब्लिश हुआ, 1874 में पब्लिश हुआ आपका, 23rd नवंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सीसी फॉर कैनेडा। नंबर 14, हु रोट द नॉवेल लेडी चैटरलीज लवर, ये एक नॉवेल है, लेडी चैटरलीज लवर, जिसको लिखने का काम किन्होंने किया, है ना, हु रोट किन्होंने किया, भैया डी एच लॉरेंस, इधर है नाम कहीं पे भी नहीं है, वर्जीनिया उल्फ, विल्की कॉलिंस, जेम्स जॉयस, इसके जो राइटर हैं डी एच लॉरेंस साहब हैं, डी एच लॉरेंस साहब हैं, किसका, लेडी चैटरलीज लवर का। और कल मैंने डी एच लॉरेंस साहब के बारे में आपको बोला था, इनका एक नॉवेल है द रेनबो करके, द रेनबो करके ये नॉवेल है, जब द रेनबो नॉवेल की बात होगी तो नॉवलिस्ट कौन होंगे, डी एच लॉरेंस साहब होंगे, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, कई बार आप पढ़ चुके हो। और जब द रेनबो पोएम की बात करेंगे, जब द रेनबो पोयम की बात करेंगे तब राइटर कौन होंगे, आप लोगों ने कल बताया था, आज भी बताने का कष्ट करेंगे। और यहां पर वर्जीनिया उल्फ, वर्जीनिया उल्फ के कंप्लीट नेम की बात करें तो एडलिन, ए डी ई एल आई एन ई, एडलिन वर्जीनिया उल्फ, या एक नाम और बताया था मैंने कल, एडलिन वर्जीनिया स्टीफन, एस टी पी एच ई एम, ध्यान जरूर रखेंगे आप, ठीक। विल्की कॉलिंस का पूरा नाम क्या है, इनका फुल नेम है विलियम विल्की कॉलिंस, ये आपको ध्यान में रखना है। जेम्स जॉयस का फुल नेम क्या है, कल हमने आपसे पूछा था, हालांकि ये सब एग्जाम में फुल नेम वगैरह पूछता नहीं है इन जनरल, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, तो फुल नेम इनका क्या है आप मुझे बताएंगे, बोलो, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, अच्छा इनका इसके बारे में बोले हैं आप, डब्लू डब्लू डब्लू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जेम्स जॉयस का फुल नेम कल भी बोला था, आपको बताना है कब पब्लिश हुआ, 1932 में, थैंक यू वेरी मच बुलबुल। आइए, जेम्स जॉयस का फुल नेम आप कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे, ये देखिए क्या है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लिटरेचर का 15th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मिसेज स्मिथ एंड जूलिया आर द कैरेक्टर्स डैश इन बाय जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल साहब का नॉवेल है और उसमें कैरेक्टर है मिसेज स्मिथ एंड जूलिया का, क्लियर। किस नॉवेल की बात करेंगे, पहले यहां आइए, बर्मीज डेज की बात कर रहे हैं, बर्मीज डेज जॉर्ज ऑरवेल साहब का फर्स्ट नॉवेल है, बर्मीज डेज जॉर्ज ऑरवेल साहब का फर्स्ट नॉवेल है जो पब्लिश हुआ
1934 में। क्लियर है मामला? बर्मीज डेज याद रखेंगे आप। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल मतलब इरिक अर्थर ब्लेयर, 1903 में पैदा हुए ब्रिटिश इंडिया में, मोतिहारी में, बिहार में। आइए यहां पे नेक्स्ट, 1984 ये नॉवेल है, नॉवेल का नाम है। ये पब्लिश कब हुआ, इसका पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है, 1984 पब्लिश कब हुआ। और एनिमल फार्म ये भी एक नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल साहब का, इरिक अर्थर ब्लेयर का, और ये कब पब्लिश हुआ ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने नाम पूछा था जेम्स जॉयस का, जेम्स ऑगस्टिन अलोयसियस जॉयस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बुलबुल ने लिखा है नाम। क्या नाम लिखा है आपने? जेम्स ऑगस्टिन। कहां पर है ये जेम्स जॉयस आपके हैं? मैं कहां लिखूं, स्पेस दिख नहीं रहा, यहां लिखते हैं जेम्स ऑगस्टिन, ए एल ओ वाई एस आई यू एस अलोयसियस जॉयस, ये आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीट नेम है, फुल नेम है। यहां पर एनिमल फार्म और 1984 ये दो नॉवेल है, और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आपको बताना है। 1984 के बारे में आपने बोला 1949 में ये पब्लिश हुआ, और ये कब पब्लिश हुआ आपका एनिमल फार्म, बताइए। यहां पर बोला गया मिसेज स्मिथ एंड जूलिया, कैरेक्टर है, कैरेक्टर किस नॉवेल का, तो 1984 का। क्लियर, आंसर भी होगा, बट एनिमल फार्म जो नॉवेल है किस ईयर में पब्लिश हुआ है ये आप हमें बताइए। और बर्मीज डेज ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते क्योंकि ये जॉर्ज ऑरवेल साहब का फर्स्ट नॉवेल है, 1934 में पब्लिश हुआ है। एनिमल फार्म कब पब्लिश हुआ, 1945, वेरी गुड बुलबुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है ना, ये सब आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहां तक लिटरेचर का क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ते हैं हम। कैसा लगा लिटरेचर का क्वेश्चन बताएं एक बार, तब तक मैं पानी पीता हूं। मजा आया कि नहीं आया प्रैक्टिस करने में? एक दो सेट तक आपको ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, उसके बाद मैं सही करवा दूंगा, पूरे बोर्ड पे ये लिख के दे नहीं रहे हैं, एक सेट और है, उसके बाद से आपको सही तरीके से पैसेज देखने को मिलेगा यहां पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। जो स्ट्रीट थिएटर है, गलियों के थिएटर की बात कर रहे हैं, भारत में वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, और वहां पर एंशिएंट आर्ट फॉर्म में है, यानी क्लासिकल फॉर्म में है, प्राचीन काल में जो पुराने जमाने में जिस तरीके से चलता था उस टाइप से है, बहुत अच्छे तरीके से वेल एस्टैब्लिश्ड है। चलिए, हाँ बुलबुल सारी सही बनाती है, प्रियंका आप भी बनाएंगे, मेहनत करते रहे, उन्होंने मेहनत किया है, उनका सही होता है, आप भी उस लेवल तक पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे। आइए, डिस्पाइट आपका प्रेपोजिशन है, कॉन्ट्रास्ट को बतलाएगा, यानी विरोधाभास, अपोजिट सेंस। डिस्पाइट द प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, है ना, कोई भी चीज जब प्रोडक्टिव वे में होता है, फर्टाइल होता है ना, उस सेंस में। संतोषी जी एम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कॉन्टिन्यूज टू फ्लॉरिस, फ्लॉरिस मीन्स उन्नति करना, प्रॉस्पर करना, प्रोसीड करना, प्रोग्रेस करना। स्ट्रीट थिएटर कॉन्टिन्यूज टू फ्लॉरिस इन इंडिया, स्ट्रीट थिएटर्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, और स्ट्रीट थिएटर जो है ये कम्युनिकेशन का एक चैनल है, बांध के रखता है, हैज फॉर सेंचुरीज, यानी सेंचुरीज से, 100 वर्षों से ऐसा बोला गया है, बीन प्रोपेगेटिंग रिफॉर्म्स, और इसमें बार बार सुधार होते रहता है, रिकमिंग अगेन, फॉर्म कमिंग स्ट्रक्चर, जब किसी भी काम को आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे तो डेवलपमेंट होता है। जैसे आप लिटरेचर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आपका माइंड ओपन हो रहा होगा। बाय हाईलाइटिंग, हाईलाइट का मतलब किसी भी चीज पे जोर डालना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज प्रेजेंट इन द सोसाइटी, समाज में जो भी सोशल इशूज है, इकोनॉमिक इशू है, पॉलिटिकल इशूज है, उस थिएटर में वही सब चीज दिखाया जाता है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, ओल्डन डेज पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर, अब परफॉर्मेंस उतना लॉन्गर नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेज और स्मॉल लोकैलिटीज ऑफ द सिटी, ये सब गांव वगैरह में, जब आप स्कूल में होंगे,
ड्रामा वगैरह होता था, ये सब चीजें देखने को मिलती थी, वो बोला गया। और स्मॉल लोकैलिटीज ऑफ द सिटीज, टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं और भी जो लोग हैं, वुड स्टेज परफॉर्मेंसेस टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन और हेल्प क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक। नुक्कड़ नाटक जिसको बोलते हैं, जहां पे ड्रामा होता है और वो एक मैसेज देने का, एक संदेश देने का काम करता है, उस सेंस में भी बात होती है। इंपॉर्टेंस क्या बोला गया, पब्लिक इंपॉर्टेंस थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज एड्स अवेयरनेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस आर सम ऑफ द एरियाज हाइलाइटेड बाय कंटेम्पररी स्ट्रीट थिएटर ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है आर्टिस्ट। ट्रूप किसको बोलते हैं, आर्टिस्ट कलाकार के ग्रुप को। Like in regular drama, street drama employ very little props and images. जो भी social issues है, जो भी negative चीज है, लोगों को aware करने के लिए सब चीज किया जाता है। The human body becomes the main tool. जो human body है, ये इसके main tool है, मुख्य औजार है। In which choreography, mime का मतलब होता है मुख अभिनय। जब आप बोलते नहीं है, मुंह बंद होता है, फिर भी आप acting कर रहे हैं अपने activity से। डायलॉग्स बोलते हैं। सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स होता है ना, जैसे एक स्लोगन आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरीके से। आर एक्सटेंसिवली यूज्ड स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज आपके बहुत करीब है। मीडिया, इट्स अपील इज टू द इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑडियंसेस। और जब इस तरीके का जो आपके डेली लाइफ में कुछ घटना हो रही है और वो नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है, तो आपके मन मस्तिष्क पे उस चीज का प्रभाव जरूर पड़ता है, उसी को साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बोला गया। ऑडियंस जो देखने वाले हैं, सुनने वाले श्रोतागण हैं। बाय बीइंग लोकल एंड लाइव दे ऑल्सो आर एबल टू एस्टैब्लिश नॉट ओनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस बट बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल दे आर पॉपुलर अमंग ऑल एज ग्रुप। हर एक एज ग्रुप से रिलेटेड है ये यहां पर बोला गया, बहुत ही आसान सा पैसेज। आइए क्वेश्चन 16। मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर्स। क्या बोला गया है कि मॉडर्न माध्यम जो है एंटरटेनमेंट का, कम्युनिकेशन का, वो स्ट्रीट थिएटर में क्या होता है, हेल्प्स एस्टैब्लिश हेल्प्स पॉपुलैरिटी डज नॉट अफेक्ट। सिर्फ ये आपको एंटरटेनमेंट देने की बात बारे में बात नहीं करता, सोशल इश्यूज के बारे में बात करता है ना। तो राइट ऑप्शन यहां पे डज नॉट होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मींस मॉडर्न, आजकल के समय में सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात होगी। एंड कम्युनिकेट डज नॉट अफेक्ट स्ट्रीट थिएटर, है ना, वो नुक्कड़ नाटक छोटी छोटी जगहों पर होगा, वो थिएटर को इंपैक्ट डालता है, मॉड एंटरटेनमेंट या मूवी वगैरह नहीं डालता। तो सी आंसर होना चाहिए। 17। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश टू द विलेजेज और स्मॉल लोकैलिटीज ऑफ द सिटी। क्या बोला गया कि ओल्डन डेज में जो स्ट्रीट थिएटर था आपका, वो रिस्ट्रिक्टेड था गांव तक, स्मॉल लोकैलिटीज तक। तो इंटरटेन्ड नहीं, वहां पे एक मैसेज देना है आपको, जहां पे आप सोचें आप कितने सही हैं कितने गलत हैं। वाज ओपन नहीं, वाज रिस्ट्रिक्टेड, वहीं तक लिमिटेड था, गांव तक और शहर के स्मॉल लोकैलिटी तक। आइए 18। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रीट थिएटर हैबिचुअली यूजुअली क्या दिखाता है, डज नॉट डील डील्स डील, वो डील करता है पब्लिक से रिलेटेड, जो भी हमारे डेली लाइफ में हो रहा है उस चीज को डील करता है, उस चीज को दिखाने की बात करता है। तो बी होना चाहिए। स्ट्रीट थिएटर इज डैश टू स्टेज एफोर्डेबल रीजनेबल कॉस्टली। महंगा नहीं है, आप कहीं पे भी गांव में शहर में कहीं पे भी आप आराम से 10 लोग मिलके मैसेज देने का काम कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक होता है। एफोर्डेबल नहीं, रीजनेबल मतलब रीजनेबल प्राइस पे, यानी जो चीज सुगम है सरल है आसान है किया जा सकता है। अफोर्डेबल नहीं, बी आंसर होगा। अफोर्डेबल खर्च करने के सेंस में हो जाता है, यहां पर एक अलग सेंस है, रीजनेबल प्राइस पे मिलता है यानी बहुत ही सस्ता है, आसानी से किया जा सकता है, कन्वीनियंट है। 28। स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स एन अ डैश इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। ये किस टाइप का इंपैक्ट डालता है, फिजिकल शारीरिक, मिस्टिकल यानी रहस्य है, या इमोशनल साइकोलॉजिकल यानी इमोशनल, है ना, भावनात्मक रूप से। राइट ऑप्शन सी, C4 कैनेडा, ये आपका आंसर होगा। आइए क्लोज टेस्ट।
ये भी हमें सॉल्व करना है। आपके टीआरई वाले एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा है, बट एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पता आगे देखने सुनने को मिल जाए। इसीलिए एक क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करते हैं इस टाइम पे, और रात को भी करते हैं 10 से 11 के यूट्यूब सेशन में। आइए, क्या बोला गया है, द की टू रिमूविंग करप्शन इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। करप्शन को समाप्त करने की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है जो पॉलिटिकल फंडिंग है। दैट वुड एंड फर्स्ट मिसयूज, यानी किसी भी चीज को मिसयूज ना करे ऑफ स्टेट बाय द पॉलिटिशियंस टू रेज फंड्स। सेकेंड, डैश इन द सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। एंड थर्ड, डैश बोथ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इंटीग्रिटी यानी यूनिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सो लॉन्ग एज पीपल नीड कैश फॉर ब्राइब्स। अगर कैश होगा, रिश्वत वगैरह देने की बात होती है, दे वुड विड्रॉ कैश एंड अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड नॉट डेटर देम। डेटर का मतलब होता है स्टॉप। जब आप किसी को रिश्वत देंगे तो उसके बैंक अकाउंट में नहीं देंगे, कैश ही देते हैं, तो वो उस सेंस में बात की जा रही है कि दे वुड विड्रॉ कर लेते हैं कैश, एंड अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड नॉट डेटर देम। मोर ओवर द आरबीआई कैन पास ऑन द पोटेंशियल सेविंग्स फ्रॉम रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कैश हैंडलिंग टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन का मामला। सो कैन द गवर्नमेंट डैश फ्रॉम द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इन टेंडेम, जो वहां पे मेथड है, जो प्रोसेस है, विद कॉम्पिटिशन टू वीजा एंड मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉम रूपे शुड मेक डिजिटल पेमेंट्स डैश कॉस्टलेस फॉर मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर्स। तो कुल मिला के यहां पे लेन देन का मामला है, करप्शन को समाप्त करने की बात हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है करप्शन को कैसे समाप्त करेगा, वो एक मेथड, एक प्रोसेस आपको इस पैसेज के माध्यम से बोला गया, बताया गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, द की टू रिमूविंग करप्शन इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग दैट वुड एंड फर्स्ट मिसयूज ऑफ स्टेट डैश बाय पॉलिटिशियंस टू रेज फंड्स। अब यहां क्या होना चाहिए, डिवाइसेस, गैजेट, मशीनरी, आप किसके साथ जाएंगे। तो क्या बोला गया, फर्स्ट मिसयूज ऑफ स्टेट व्हाट, डिवाइसेस, गैजेट नहीं, मशीनरी के सेंस में जाएंगे। अब क्यों ऐसा करोगे, आओ देखते हैं। स्टेट मशीनरी, मशीनरी का मतलब यहां पर क्या क्या नाम लिया गया है, देखिए पॉलिटिशियंस की बात की गई है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, सिविल सर्वेंट्स की बात की गई है, यानी सभी को मिला के, यानी हर एक बॉडी की बात आप कर रहे, इसीलिए आप मशीनरी वर्ड के साथ जाएंगे। कहां गया आपका, यहां मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात नहीं हो रही, मशीनरी का मतलब ऑल काइंड ऑफ बॉडीज, जितने भी लोग उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, मशीनरी। आगे, बाय द पॉलिटिशियंस टू रेज फंड्स। सेकेंड, डैश इन द सर्विसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सेकेंड वॉट, सेकेंड एडहियरिंग रोपिंग रिलीजिंग। एडहेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉलो करना, रिलीज का मतलब रिलीज कर देना, रोप का मतलब रस्सी के तौर पे उस चीज से आप जकड़े हुए, उस चीज से आप बंधे हुए हैं। अब आइए यहां पर क्या सेंस निकलेगा, सेकेंड क्या बोला गया, डैश इन द सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट, रोपिंग इन द सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी दोनों को, जैसे सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियंस के बीच में क्या होता है, आपस में मिली भगत होती है, तो यहां पर रोपिंग का सेंस निकल के आएगा। राइट ऑप्शन बी बिफोर बॉम्बे है। नेक्स्ट क्या बोला गया, एंड थर्ड, डैश बोथ अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड डैश। अब थर्ड के लिए क्या आएगा, डिस्ट्रस्टिंग, निगेटिंग, अंडरमाइनिंग। डिस्ट्रस्ट यानी भरोसा नहीं करना, जब हम और आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन, यूनिटी का भाव कैसे आएगा, तो ये वर्ड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। निगेट का मतलब होता है नकार देना, भाई साथ में मिलकर काम करेंगे तो डिनाई नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते। और अंडरमाइनिंग का मतलब अंडरमाइन करना किसी भी चीज को, यानी प्रेशराइज करना, यानी उस चीज के तहत काम करना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड अंडरमाइनिंग बोथ, हर एक चीज को मिला के अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट ऑप्शन आपका क्या होना है, अंडरमाइनिंग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, सो लॉन्ग एज पीपल नीड कैश फॉर ब्राइब्स।
है ना, ताकि लोगों के पास कैश ना रहे रिश्वत वगैरह देने लेने के सेंस में। दे वुड विड्रॉ कैश एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड नॉट डेटर देम। मोर ओवर द आरबीआई कैन पास ऑन द पोटेंशियल सेविंग्स फ्रॉम रिड्यूस्ड कैश हैंडलिंग टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। सो कैन द गवर्नमेंट, कैन द गवर्नमेंट, इधर चले गए हम, हाँ, कैन द गवर्नमेंट डैश फ्रॉम द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इन टेंडेम विद कॉम्पिटिशन टू वीजा एंड मास्टर कार्ड। सो कैन द गवर्नमेंट डैश, कैन द गवर्नमेंट आउटलेज इनकम और पेमेंट। भाई सरकार के पास इनकम की बात नहीं हो रही है, आप जो पैसा निकाले हो, कहां खर्च किए हो, क्या है, हर एक चीज उनके पास होता है, तभी तो आपसे पूछा जाएगा क्या इनकम है क्या खर्च है। ना इनकम ना पेमेंट, आउटलेज, और आउटलेज का मतलब होता है एक्सपेंड, यानी आपकी कमाई कितनी है, आपके खर्च कितने हैं। सरकार जब आपके खर्च पे आपको पकड़ती है, मान लीजिए कोई आदमी 50,000 कमा रहा है, लेकिन उसका 50,00,000 का कहीं बिल्डिंग बन जाए, मिल जाए, तो क्या बोला जाएगा, इतने रुपये आपने कहां से खर्च किए, यानी कमाया कहां से, है ना, आउटलेज की बात होती है करप्शन को पकड़ने के लिए। तो यहां पर क्या आपका हो रहा है, आओ देख लेते हैं। सो कैन द गवर्नमेंट आउटलेज फ्रॉम द आरबीआई द गवर्नमेंट इन टेंडम विद कॉम्पिटिशन टू वीजा एंड मास्टर कार्ड फ्रॉम रूपे शुड मेक डिजिटल पेमेंट्स डैश कॉस्टलेस फॉर मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर्स। अब क्या होगा यहां पर, नेवर एवर वर्चुअली। क्वेश्चन क्या है एक बार देखना पड़ेगा, वीजा एंड मास्टर कार्ड फ्रॉम रूपे शुड मेक डिजिटल पेमेंट्स वर्चुअली, है ना, ऑनलाइन मामला है, ऑफलाइन का नहीं, कॉस्टलेस फॉर मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, नेवर नहीं, एवर नहीं, वर्चुअली की बात कर रहे हैं, राइट ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा। बहुत बढ़िया जी, अब आ जाइए वो कैब की बात करते हैं। सिनोनिम बहुत ही आसान सा वर्ड है मोटिव। मोटिव वर्ड जो आपका है ये नाउन के तौर पे काम करता है, और कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड होता है मोटिव, ये मोटिव है नाउन, और ये मोटिव है, ये भी आपका नाउन ही है, बट मोटिव वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का डिजाइन, किसी भी चीज का मॉडल, है ना। तो ये आई एफ है, ये आई भी है, मोटिव और ये मोटिव, डिजाइन, दोनों अलग अलग वर्ड है, कंफ्यूज आपको नहीं होना। मोटिव का मतलब क्या होता है, आपका क्या इरादा है, आपका क्या इंटेंशन है, है ना। तो मोटिव का सिनोनिमस क्या हो जाएगा, इंटेंशन, यानी आप करना क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना, उस सेंस में। रीजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के कॉज को जानना। आइए कॉज और रीजन में क्या फर्क होगा, कॉज और रीजन, रीजन के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, कॉज के साथ फोर का इस्तेमाल करते हैं, ये कोलोकेशन का डिफरेंस है, दोनों का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, बट रीजन ऑफ कॉज फोर, कारण को जानने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए ऑकेजन का मतलब होता है कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट, उस सेंस में बात करेंगे आप, और इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा होता है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सी फोर कैनेडा। और ये आपका कौन सा बैच भैया, ढाकर बैच, लिटरेचर अभी आप पढ़ रहे थे मेरे साथ। किन्हीं भी बच्चों को लिटरेचर में अगर कोई प्रॉब्लम लगता है, चाहे 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, इंग्लिश लिटरेचर का ये ऑनलाइन बैच है, ये बैच ऑफलाइन मोड में नहीं है, ये ऑनलाइन मोड में है, 499 फी है। ऑनलाइन मोड में ये बैच कहां मिलेगा, तो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये बैच यहां पे आपको मिलेगा, ढाकर बैच, है ना, और जबरदस्त बैच है ये, और शाम के 6 से 7 में ये बैच आपका चलता है। कल नहीं हो पाया था बिकॉज मैं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था अपने नानी माँ से मिलने के लिए, क्लास कल ऑफ थी, बट शाम में डेली 6 से 7 में ये बैच आपका चलता है, बहुत ही जबरदस्त बैच है। यहां आप मेरे साथ 15 क्वेश्चन जो डेली प्रैक्टिस करते हो वो तो एमसीक्यू फॉर्मेट पे है, यहां इस बैच में पहले थ्योरी पढ़ाते हैं डिटेल्ड वे में, फिर उस पर बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये बैच किन्हीं को लिटरेचर में प्रॉब्लम हो आपको मिल जाएगा, अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आइए एंटोनिम है आपका बोल्ड। बोल्ड वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, बोल्ड आपका होता है एडजेक्टिव, और जो इंसान बोल्ड होगा यानी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो बोल्ड के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या कर सकते हैं आप, काफी कॉन्फिडेंट है, और एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का वर्ड है, कल रात में भी YouTube पे बताए थे, ऑडेसियस। ऑडेसियस वर्ड का मीनिंग भी होता है इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट है। कब से स्टार्ट हुआ है इस बैच में, 5 क्लासेस भी है फूल कुमार जी, 5 क्लास, आओ यहां पे। तो बोल्ड मतलब कॉन्फिडेंट,
टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होना। टिमिड मतलब कोवर्ड, जो इंसान बहुत ही डरपोक टाइप का है, डरा हुआ है। नर्वस का मतलब होता है जो भैया अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसको खुद पे भरोसा ही नहीं है, डरा हुआ नहीं है बट नर्वस है थोड़ा सा। और क्वायवर्ड का मीनिंग होता है शायद शर्मीला टाइप का इंसान है, डरता नहीं है, थोड़ा शर्मीला टाइप का है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा एंटनिम हो जाएगा ए। और जितने भी वर्ड हैं सभी के ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपके होते हैं एडजेक्टिव। 28 की बात करो, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका भी आंसर आपके आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है, है ना। क्या करेक्ट आंसर होगा? इमिनेंट। अगर मैं इमिनेंट वर्ड की बात करूं, ई एम आई एन ई एन टी, तो इमिनेंट का मतलब होता है फेमस या पॉपुलर। क्लियर। शाहरुख खान इज वेरी इमिनेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मिस्टर शाहरुख खान को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जाना जाता है, इमिनेंट पर्सनालिटी है ना, फेमस है, पॉपुलर है, उस सेंस में बात करते हैं। ये जो इमिनेंट है, आई डबल एम आई एन ई एन टी से कंफ्यूज आप नहीं होंगे, इस इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस इन नियर फ्यूचर, दैट हैपेंस इन नियर फ्यूचर। कोई ऐसी चीज जो निकट भविष्य में होगा ही होगा, उसे बोलते हैं इमिनेंट। और इमिनेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ इस्तेमाल करते हैं इमिनेंट एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जो होने ही वाला है वो इमिनेंट है। और यहां पर इलोक्वेंट वर्ड है, इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलना, इलोक्वेंट स्पीकर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, वो काफी अच्छा दलील करते हैं, सही को गलत और गलत को सही साबित कर देते, तो इलोक्वेंट वर्ड का इस्तेमाल होगा। इलोक्वेंट स्पीकर होगा जो अच्छा बोलता है, जिसमें बोलने की कला है। और ये इमिनेंट, ये इमिनेंट एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है इमानेंट, आई डबल एम ए एन ई एन टी, ये अलग वर्ड है। इस इमानेंट वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी जो विश्वव्यापी है, जो हर एक जगह है। और इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी अपने आप में रूट वर्ड है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, जो हर एक जगह विराजमान है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज इमानेंट। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इमानेंट में, ई वाले इमिनेंट में और आई वाले इमिनेंट में, एक जैसा लगेगा बट एक जैसा होता नहीं है। 29 वन वर्ड है, एक्ट ऑफ मर्सी किले, यानी किल तो करना है लेकिन मर्सी यानी दया दिखाते हो। बोलेंगे सर कि मार रहे हैं और इसमें दया कहां से? भैया मर्सी किलिंग का मतलब क्या होता है? यूथेनेशिया, जब जिंदगी आपको बदतर लगे, मौत आपको बेहतर लगे। मान लीजिए कोई इंसान है 5 सालों से बेड पे ही है, ना चल पा रहा है ना खा पा रहा है, तो उस जिंदगी से बेहतर क्या है कि मौत आ जाए, है ना। यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग, जो कि इंडिया में अभी लीगल नहीं है, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में लीगल है, कि जब जिंदगी बदतर लगे और मौत बेहतर लगे तो यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग बोलते। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सुसाइड तो होता है सेल्फ किलिंग, और इमोलेशन का मतलब होता है आग लगाकर किसी भी चीज का विनाश करना। 2 डिस्ट्रॉय या डैमेज, समवन और समथिंग विद फायर। मान लो किसी व्यक्ति ने आग लगा लिया अपने बॉडी में, है ना, आग लगा के बहुत लोग सुसाइड करते हैं, और या किसी चीज को आग लगा के आप समाप्त कर रहे, उसे हम इमोलेशन बोलेंगे। ये भी किलिंग के सेंस में है बट राइट ऑप्शन आपका बी है, यूथेनेशिया। ईडियम, ईडियम है विद माइट एंड मेन। भाई साहब माइट का मीनिंग होता है पावर, शक्ति। माइट का मतलब होता है पावर, यहीं से वर्ड आता है आपका माइटी, और इसी माइटी वर्ड से आता है ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, और इसी को बोलते हैं ओमनी पोटेंट। अभी मैंने आपको ओमनी वर्ड पढ़ाया, ओमनी पोटेंट। और ओमनी पोटेंट की बात करेंगे तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है पावर, जिसके पास हर एक टाइप की शक्ति हो, सर्वशक्तिमान बोला जाएगा। यूथेनेशिया का मतलब मर्सी किलिंग, यानी जब मौत आपको बेहतर लगे, जिंदगी बदतर लगे, है ना, यानी कोई इंसान जिंदा है लेकिन वो मरना चाहता है, बहुत तकलीफ में है शारीरिक रूप से, है ना, तो अब मौत दे दिया जाए, मर्सी किलिंग उसको बोलते हैं, दया के साथ। आइए
तो माइट का मतलब पावर, माइटी ऑलमाइटी ओमनीपोटेंट, यानी पूरा का पूरा पावर है उसके पास, विद फुल रिस्क, विद फुल फोर्स, फोर्स का मतलब पावर, राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल नहीं, बी आंसर होगा। 31 की बात कीजिए, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। देखिए इलेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल है, इलेक्टेड लिखें, सेलेक्टेड वर्ड आ जाए, अपॉइंट वर्ड आए, इन सारे वर्ड्स के साथ कभी भी आपको एज का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान में आप रखोगे, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, इनके साथ एज का यूज नहीं होता। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन, नहीं उसे चेयरमैन के जैसा नियुक्त नहीं किया गया, उसे चेयरमैन नियुक्त किया गया, यह बोला गया है, तो ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन होना चाहिए, एज नहीं, राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। फिर सुसाइड भी तो यही होता है ना, सुसाइड तो होता है, अच्छे खासे लोग सुसाइड कर लेते हैं, मानसिक तनाव आया, लोग सुसाइड कर लिए, वो तो नेगेटिव एक्ट हो गया। यूथेनेशिया उस पल में होता है, मैंने बोला ना 5 साल से कोई भी इंसान बेड पे ही है, ना उठ पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना चल पा रहा है, इससे बेहतर है कि उसे मौत दे दी जाए। बट अपने देश में ये चीज इलीगल अभी भी है, बट लीगल ही कर देना चाहिए इस चीज को। आइए, इट इज डिजायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस इफ यू वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट। ये डिजायरेबल है, यानी इच्छा आप रख सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो। फिर प्रॉफिट कब होगा? सिर्फ सलाह से, कर्ज लेने से, रिस्क लेने से। भैया रिस्क लेंगे तभी जिंदगी में कुछ हो पाएगा। तो इट इज डिजायरेबल टू टेक रिस्क इफ एनी बिजनेस इफ यू वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट, राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। फिल इन द ब्लैंक। 33 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर, अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब बाहर निकलना, ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। अपवर्ड तो होता है किसी भी सेंस में, अपवर्ड ऊपर जाना। प्लंज का मतलब होता है डूब जाना, प्लंज के साथ प्रेपोजिशन इंटू का इस्तेमाल करते हैं, प्लंज इंटू बोलिए, सब मर्ज बोलिए, सब का मीनिंग होता है लो और मर्ज का मतलब होता है मिक्स, जब किसी भी चीज में जाके आप मिल जाते हैं, सब मर्ज हो गए। प्लंज मतलब डूबना है, यहां पर लिक्विड को, फ्लूइड को बाहर करने की बात हो रही है, और उस चीज के लिए जो फोर्स लगता है, आपने सन साइंस में पढ़ा होगा उत्प्लावन बल, ऐसे करके है ना, तो वो अपथ्रस्ट होता है, राइट ऑप्शन ए, ए फोर आगरा आपका आंसर माना जाएगा। 34 में एक्टिव और पैसिव है, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। लैंडेड वर्ड जो आया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, यानी वॉज वर्ब भी थर्ड होना चाहिए। द प्लेन हैड बीन लैंडेड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, नहीं चलेगा। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, बिल्कुल सही है। और सी में द प्लेन हैज बीन लैंडेड, ये नहीं होगा, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव हो गया, ये नहीं होना चाहिए, राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। 35 मिस्टर रॉ टोल्ड मिस्टर मेहता दैट ही हैड टू गो टू द टाउन दैट डे। ये आपके इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में ले जाना है। टोल्ड का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, कंजंक्शन दैट लगाया हुआ है, यानी कि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो कोटेशन मार्क्स इनवर्टेड कॉमास के अंदर आएगा वह आपका सिंपल वे में होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मिस्टर राव सेड, मिस्टर मेहता और फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे, या तो सेड के बाद टू लगाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट करो, फिर कॉमा दो, फिर इन्वर्टेड कॉमास दो। अगर मिस्टर मेहता बोल रहे तो बात को पॉज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मिस्टर राव सेड मिस्टर मेहता, ठीक है, यह भी एक तरीका होता है, नहीं तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, मिस्टर रॉ सेज टू मिस्टर मेहता कामा, और फिर यहां इन्वर्टेड कामास के बाद आप आगे चलते। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे भी होता है, मिस्टर रॉ सेज, इसलिए बोलता हूं पंक्चुएशन जानिए, यहां पर कामा का कमाल है, यहां नहीं था इसलिए नहीं हुआ। आई हैव टू गो टू द टाउन टूडे, सही है आपका ये। सबसे पहले तो यहां दैट डे किया था, भैया टुडे का दैट डे होता है, यहां पर टुडे आपका आया हुआ है। अब यहां पर मिस्टर रॉ सेड मिस्टर मेहता आई विल हैव, भैया यहां पर ही हैड का मामला है, यानी हैड विल लगाओगे तो उड करना पड़ता, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका आंसर सी नहीं रहेगा। 36 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोल एंड वॉय डैश कंसिडर्ड टू बी द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए दोनों अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर मानते हो, दो अनकाउंटेबल नाउन अगर यूनाइटेड फॉर्म में है तब सिंगुलर होंगे, और अगर अलग अलग है तो फिर वो आपके हो जाएंगे प्लुरल। जैसे आप क्या बोलते हैं, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश,
राइस एंड करी, क्योंकि दोनों को मिक्स करके आप खाएंगे, है ना, मिक्स कर दिया, मिला दिया, फिर आपने खाया यूनाइटेड फॉर्म में, तो आपने बोला राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, आर नहीं बोलेंगे, बट वहां पे राइस एंड पल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब चावल और दाल की बात कर रहे और आप बोल रहे दोनों अलग अलग चीज है, तो जब डिवाइड कर दिया दो अनकाउंटेबल नाउन को, दो अलग अलग चीजें मानी जाएंगी और वहां पे वो आपका प्लुरल आएगा। यहां पर कोल और वाइल की बात कर रहे, कोयला और तेल की बात कर रहे, दोनों अलग अलग चीज है, और अगर अलग अलग है तो भैया प्लुरल सेंस में जाएगा, हैज बीन वॉज नहीं, आर के साथ आप जाएंगे। 37 पंक्चुएशन के क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट को कनेक्ट करेगा। कोमा फुल स्टॉप तो होता है, बात को रोक देगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉज, दो फ्रेज, दो सेंटेंस के बीच में आते हैं और कनेक्ट करते हैं। फुल स्टॉप तो रोकता है। कोलोन तो किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, इंट्रोड्यूस करना है, बट कोऑर्डिनेट जोड़ने का काम करता है, इंट्रोड्यूस नहीं, जोड़ेगा, इसलिए कोऑर्डिनेट आपका कामा है, फुल स्टॉप या कोलोन नहीं है। सर आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे होगा, पैसिव वॉइस नहीं होता है क्या, कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया गया, यू आर टॉट का मतलब आपको पढ़ाया जाता है, है ना, और आई टीच मैं पढ़ाता हूं, पैसिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं आता है फूल कुमार जी। आइए 38, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस है, माई हैंड इज एज कोल्ड एज स्नो, मेरा हाथ उतना ही ठंडा है जितना कि एक बर्फ, कंपैरिजन है हैंड का स्नो से, और एच का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिट्रेशन नहीं होगा। मेटाफर एलिट्रेशन में आप कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते, मेटाफर में कंपैरिजन है, एज लाइक नहीं आता, यहां पर सिमिली है, एज और लाइक आया है। 39, प्रेपोजिशन आई एम इनवियस देम, इनवियस का मतलब होता है जेलस, ईर्ष्यालु, और इनवियस के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, राइट ऑप्शन ए, ए फॉर आगरा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉर वांट ऑफ सफिशियंट फंड्स योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, और वांट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, बोला सफिशियंट फंड नहीं होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद भी न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल, गिर जाएगा। यद्यपि आपके पास सफिशियंट फंड नहीं है तो फिर क्या होगा, ना आउट ना अंडर, ऑल दो, यानी सफिशियंट फंड नहीं है तो काम आपका नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट का सेंस, ऑल्दो जो आपका वांट ऑफ का मीनिंग है वही आपके ऑल्दो का सेंस होगा, ए के साथ आप निकलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। एक मिनट, हाँ सही है। अब बोलिए सेशन कैसा लगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, फटाफट टकाटक सवाल कर ले। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल चलो।